हज़रत गिरामी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। जब कुछ न था, फ़कत अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने नूर से पैदा फरमा, कहा महबूब बनेगा तू मेरे नूर से, सारी कायनात बनेगी तेरे नूर से, सारी कायनात में तेरे नूर का ज़हूर होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। रब्बे कायनात ने अल्लाह के पैगम्बर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को सबसे पहले पैदा फरमाया। इसलिए रब की मशीयत को ये मालूम है, रब की निगह कुदरत को मालूम है। अगर मैं अपने महबूब बेमिसाल को सबसे पहले पैदा नहीं फरमाऊँगा और अपने रसूल मुअज़्ज़म जो सैयदुल अंबिया हैं, अगर इस नूर पाक को पहले नहीं पैदा फरमाऊँगा, तो ये कायनात, ये ज़मीन, ये ज़मा, ये मकी, मकाँ सब के सब मेरे नबी पर एहसान जताएँगे। इसलिए अभी किसी चीज़ का वजूद नहीं है, न ज़मीन है, न ज़मा है, न मकी है, न मकाँ है, न चुनी है, न चुना है, न शजर है, न हजर है, न बहर है, न बर है, न खुश्क है, न तर है, न आब है, न आबी है, न आतश है, न आतशी है, न बाद है, न बादी है, न शजर वजर है, न बहरोबर है, न खुशको तर है, न जिन्न इंत है, न बातात जमादात किसी चीज़ का वजूद नहीं है, मगर नूर पाक मुहम्मदी का जलवा मौजूद है। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इसको एक मिसाल की रोशनी में। सबसे पहले नूर मुहम्मदी की रब्बी कायनात ने तख्लीक फरमाई, अल्लाह अकबर। इसको एक मिसाल से समझाऊँ, आपने गुलाब का पौधा मार्केट से लिया, अपने घर में सुपुर्द खाक कर दिया, कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा हुआ, तबस्सुम फूल फूला, कली निकली, वो गुलाब का फूल मुस्कुराया, आपने कहा ये फूल हमारा है। जैसे ही आपने उस मुस्कुराते हुए फूल के ऊपर अपनायत का दावा करते हैं, जमीन आवाज देती है, आप मार्केट से खरीद कर लाए हैं, आप कहते हैं हमारा फूल है, लेकिन इस पर मेरा भी एहसान है, मैंने अपना सीना चीरा है, मेरे नश्तर किए हुए सीने पर, मेरी जमीन पर नश्तर किया गया, तब ये गुलाब का पौधा लगा है, इस पर मेरा भी एहसान है। जैसे जमीन ने कहा मेरा एहसान, चांद की चांदनी ने कहा मेरी मीठी रोशनी का एहसान, सूरज की तमाजत ने कहा मेरी तमाजत का एहसान, और नसीमे तारी के झोंके ने कहा मेरी मीठी मीठी हवाओं के इस पर एहसानात हैं, और उस तबनम ने भी आवाज़ दी इस पर मेरा एहसान है। हर एक अपना एहसान जता रहा है। आप मार्केट से पौधा लाए, आप कहे मेरा गुलाब है, जमीन बोले मेरा गुलाब है, चांद की चांदनी बोले मेरा एहसान है। रब्बे कायनात की निगे कुदरत को ये मालूम कि परवरदिगारे आलम जानता है कि अगर महबूब को मैं सबसे पहले पैदा न फरमाता, तो जमीन सीना तान कर बोल देती, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी जमीन का वजूद ना होता तो अब कदमे नाज़े नबूवत कहाँ रखते, आसमान की चौहद्दी बोल देती, मेरा साया ना होता आप कहाँ रहते, चांद की चांदनी बोल देती, सूरज की रोशनी आवाज दे देती, एक मेरे नबी की ज़ाते पाक होती और कायनात एहसान जताती हुई नजर आती। अल्लाह ने कहा महबूब मेरा होगा, बेमिसाल होगा, ना खुदा की खुदाई का जवाब है, ना महबूब की महबूबियत का जवाब होगा। सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया ताकि सारी कायनात पर महबूब का एहसान हो। अब कांधा सारी कायनात का है और तलवा मुस्तफा का है। सारी कायनात के ऊपर मेरे नबी का साया है, सारी कायनात के ऊपर मेरे नबी का एहसान है। इसलिए मेरे नबी की मीलाद ना होती तो ये कायनात ना होते। एक कायनात नबी एक कौन है, इनकी मीलाद पाक के सदके में है। लौला का लमा खलकतु दुनिया, ए महबूब तुम्हारी मीलाद मकसूद थी, मैंने आसमान को बनाया, मैंने तुम्हारी मीलाद मकसूद थी, मैंने ज़मीनों को बनाया, नबी की मीलाद मकसूद थी, आत्मा का शामियाना लगा, नबी की मीलाद मकसूद थी, नबी का फर्श बिछाया गया, नबी की मीलाद मकसूद थी, चांद को चांदनी मिली, सूरज को ज़ियाबार किरणें मिली। रब्बे कायनात ने सारी कायनात पर अपने महबूब सरवरे कायनात तादारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान को रख दिया और सारी कायनात पर मेरे नबी की मीलाद पाक और रहमत पाक का एहसान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे नबी ही के नूर से सारी कायनात है। एक जालिम ने कहा एक नूर से सारी कायनात कैसे होगी, मैंने कहा जालिम ठहर जा, मेरे नबी ही का नूर है। खुद मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया, तो मैं आका की बात मानूंगा कि तुम्हारी बात मानूंगा। मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी
सरवरे कायनात का फरमान है, ये आलम जो है ये कायनात मेरे नबी के नूर से है। आलम मेरे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलम मेरे नूर से है, सारी कायनात मेरे नूर से बनाई गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी कौनैन के सदके में सारी कायनात बनाई। मैं कहना चाहता हूँ इसलिए एक मिसाल की रोशनी में, सोना एक धात है, मिट्टी एक धात है, चांदी एक धात है, लेकिन चांदी से बहुत से जेवरात बनते हैं, नाम बदल जाता है। किसी ने अंगूठी बनवाई, किसी ने कोई बर्तन बनवा लिया, किसी ने गिलास बनवा लिया, किसी ने पाजेब बनाया, ये नाम बदलता गया। सोना एक धात है, किसी ने हार बनाया, किसी ने बाला बनाया, किसी ने कंगन, किसी ने घड़ी, किसी ने अंगूठी, मिट्टी एक धात है। मैंने कहा ये कौन सा सामान, कहा मिट्टी का प्याला है, मिट्टी का प्याला है। मैंने कहा ये क्या है, कहा मिट्टी का गिलास है, मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी साथ नहीं छोड़ रही है, धात एक है लेकिन नाम बदलता जा रहा है। सोना एक है मगर सोने का हार भी है, सोने का बाला भी है, सोने का कंगन भी है, सोने की घड़ी भी है, सोने की अंगूठी भी है। चांदी एक धात है मगर नाम बदलता जा रहा है, पाजेब भी है, कंगन भी है, सोने की घड़ी भी है, चांदी की घड़ी भी है, चांदी का बर्तन भी, चांदी का गिलास भी है, नाम बदलता जा रहा है। बिलाशुबह परवरदिगार आलम ने अपने नबी के नूर से सारी कायनात पैदा फरमाई। नूर मेरे मुस्तफा का है, जो कुछ है वो करिश्मे नूर है, नाम बदल दिया गया। नूर नबी का है, नबी के नूर से सारी कायनात है, ये शजरो हजर है, नाम बदल गया। मेरे नबी के नूर से है ये बहरो बर है, नबी के नूर से है ये खुशको तर है, नबी के नूर से है ये जिन्नो इंत है, नबी के नूर से है ये आब है आबी है, ये हवा है हवाई है, ये आतश है आतशी है, ये बाद है बादी है, ये अर्श है फर्श है, शजरो खजर बहरो बर खुशको तर बरगो समर जिन्नो इंत नबाता तो जमादात, सारी कायनात नाम बदल गया। कहकशां का जमाल है और सितारों की मुस्कुराहट है, नाम बदल गया। चांद की चांदनी है, नाम बदल गया। सूरज की ज़ियाबार किरणें है, सब मेरे नबी के करिश्मे नूर से है। मेरे नबी तरवरे कायनात ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला सल्लम के नूरे पाके मुस्तफा का सदका। और सुनो रब्बे कायनात परवरदिगारे आलम की शान कुदरत है, जिसे सबसे पहले पैदा फरमाया, सबसे हसीन पैदा फरमाया, जिसे सबसे पहले पैदा फरमाया, जिसकी तख्लीक नूरे मोहम्मदी की रब्बे कायनात ने की। सबसे हसीन और बेहतर इंसान कुछ सनत करता है, बनाता है, धीरे धीरे कामयाब होता है। इंसान ने कहा माइक बनाएंगे, बोलोगे यहाँ सुनोगे वहाँ, बनाया और कामयाब हो गया, दिल को तसल्ली ना मिली। काम रेडियो बनाएंगे, आप रहोगे इंडिया में और लंदन की बातें सुनोगे। और आगे बढ़ा, कहा टीवी बनाएंगे, टेलीविज़न बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, हेलीकॉप्टर बनाएंगे, ट्रेन चल रही थी, कहा राजधानी बनाएंगे, रफ्तार वाली ट्रेन बनाएंगे। धीरे धीरे तरक्की इंसान करता गया, एक बैक वक्त कोई कामयाब इंसान नहीं होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ मैं तख्लीक की बात नहीं, इंसानी सनत की बात कर रहा हूँ, लेकिन रब्बे कायनात ने जिसे सबसे पहले बनाया, अपने महबूब को सबसे हसीन बनाया और बेमिसाल बनाया, ऐसा बेमिसाल बनाया कि मेरे नबी के हुस्न से चांद और सूरज को चमक और दमक मिले, ऐसा बेमिसाल बनाया कि हस्तान बिन साबित पुकार उठे कान लगा कमा खुलिक का तशाउ या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है या रसूल अल्लाह रब्बे कायनात की कुदरते कामिला ने आपको आपकी चाहत के एतबार से बनाया, बेमिसाल बनाया अल्लाह ने, ऐसा बेमिसाल सबसे पहले बनाया कि चांद और सूरज ने मेरे नबी के तरे नाज़े हुस्न से भीख मांगा है तो चमक मिली है, रोशनी मिली है, ये नबी का हुस्न है। चांद और सूरज कमल के फूल की तरह मेरे नबी के हुस्न सागर में तैर रहे हैं। अल्लाह ने कहा महबूब मेरा होगा, न खुदा का जवाब होगा न खुदा की खुदाई का जवाब होगा।